गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 7 मई 2021 के करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल नो डाइट डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 6 मई को मनाया जाता है। मई 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित किया जो आधार की प्रायोज्यता को कवर करता है? तो धारा 142। कनाडा ने के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने केस कंपनी के द्वारा बनाई गई बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो फाइजर वैक्सीन को। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड-19 राहत वस्तुओं के आयात के समन्वय के लिए किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो हर्षदीप कांबले को। शोधकर्ताओं को हाल ही में किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियाँ मिली हैं? तो ये मेघालय में मिली हैं। किसने कोविड-19 का मुकाबला करने के में तथ्यों की खोज आयुष 64 पर एक श्रृंखला शुरू की है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? 50,000 करोड़ रुपए। किसने टैक्सी बोट के साथ दिल्ली हवाई अड्डों पर विमानों के स्थायी करके 1,000 आवागमनों को पूरा किया है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और किस देश के बीच प्रवास और आवागमन के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ। उत्तरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला इंक किस देश में कार मालिकों के लिए अपने वाहनों द्वारा उत्पन्न डेटा तक पहुंचने के लिए एक डेटा प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो ये चीन के साथ। 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हाउसिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये सिक्किम में शुरू हुआ है। मई 2021 में किसने बजाज आइवर माइकटिन के लॉन्च की घोषणा की है? तो बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने। किस दिवंगत अभिनेता की फोटो बंगाली स्कूल की टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है? तो उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। किसने ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इन्वेसिव वेंटिलेशन पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो एम्स नई दिल्ली ने। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम प्रमुख MK स्टालिन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चुने गए हैं अभी हाल ही में। आपको बताना है तमिलनाडु की राजधानी क्या है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, इसको आपको कमेंट करना है। मई 2021 में जारी बल्लेबाजी के लिए ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में विराट कोहली का रैंक क्या है? 5वां। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रॉब ने किस ग्रह के एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो शुक्र ग्रह के। किस राज्य के अनुशासित प्रदेश ने कोविड रोगियों के लिए निर्देश जारी किए हैं जिन्हें घरेलू अलगाव के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता होती है? तो ये दिल्ली सरकार ने किए हैं। राष्ट्रीय लोकदल RLD के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की कोरोना से की चपेट में आने से निधन हो गया? तो उनका नाम है चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह का भी हाल ही में कोरोना से निधन हुआ है।